रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूपेश बघेल को रायबरेली की कमान सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश को रायबरेली का ऑब्जर्वर बनाया गया है। अमेठी में अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाया गया है। भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ चुनावी कमान को संभालेंगे। तो भूपेश बघेल, जिनके राजनीतिक कद को लेकर तमाम विपक्षी आरोप लगा रहे थे, उनका कद एक बार फिर से उनके दल में बढ़ा हुआ है और भूपेश बघेल को रायबरेली की कमान सौंपी गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली का ऑब्जर्वर बनाया गया है और वहीं अगर अमेठी की बात की जाए तो यहां अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाया गया है। राहुल गांधी जब पर्चा भरने पहुंचे थे तब की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फाइल तस्वीर, और भूपेश बघेल जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। राजनांदगांव में मतदान हो गया है, यहां से वो चुनाव लड़े हुए थे, लोकसभा चुनाव का इन्होंने लड़ा था और राजनांदगांव जब अब चुनाव हो गया है उसके बाद भूपेश बघेल पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे थे और कल मतदान है तमाम छत्तीसगढ़ की सीटों पर। कल के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, इसके बाद भूपेश बघेल अब रायबरेली की कमान संभालेंगे। न्यूज रूम से रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश से लखनऊ से हमारे सहयोगी आदर्श जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो रुक करूंगा रोहित का। रोहित, भूपेश बघेल के राजनीतिक कद की बात की जा रही थी लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान ने भरोसा जताया, रायबरेली की उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया। बिल्कुल नितेश, देखिए बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस लिहाजे से है कि राहुल के मन में अभी भी भूपेश बघेल हैं और भूपेश बघेल को रायबरेली, जहां से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां से अगर उनका ऑब्जर्वर बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है। और राजनीतिक कद की जिस प्रकार से आपने बात की तो राहुल गांधी के सारथी के रूप में भूपेश बघेल जाएंगे और उनके भूपेश बघेल का राजनीतिक कद भी लगातार बढ़ा है। और जब याद भी होगा नितेश, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो व्यक्ति थे जिनको प्रदेश भर में भेजा जा रहा था। जहां भी विधानसभा के चुनाव होते थे वहां भूपेश बघेल जाते थे और वहां पे पार्टी के पक्ष पे प्रचार प्रसार करते थे। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगी, भारत जोड़ो यात्रा पे सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भूपेश बघेल ने संभाली थी। इसके अलावा तमाम बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश की बात आप करें, झारखंड की आप बात करें, इसके अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर भूपेश बघेल पार्टी के पक्ष पे प्रचार करते हुए भी नजर आते थे। हिमाचल की बात कर लेते हैं जहां पर भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे, वहां पर सरकार भी बनी। कर्नाटक में भी भूपेश बघेल को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। तो निश्चित तौर पर बड़े कद के नेता के बाद कई तरह के प्रश्न चिन्ह थे, उन प्रश्न चिन्हों पर जरूरी विराम तो लग ही गया रोहित। बहरहाल रुक करेंगे आदर्श का, रोहित जोड़े रहिएगा आप हमारे साथ। आदर्श, भूपेश बघेल को रायबरेली की कमान दी गई है और वहीं अगर अमेठी की बात की जाए अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाया गया है। क्या करेंगे ये, क्या ऑब्जर्व करेंगे, कैसे रणनीति बनाएंगे और क्या उत्तर प्रदेश कहता है इस विषय में? देखिए निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि आज से रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कैंप करने वाली हैं। भूएमऊ जो गेस्ट हाउस है उस गेस्ट हाउस में 18 मई तक उनके रहने की सूचना है, यानी 18 मई तक रायबरेली के ही उस गेस्ट हाउस से अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों पर नजर रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इन दो ऑब्जर्वरों को जो नियुक्त किया गया है, चाहे हम भूपेश बघेल को रायबरेली के लिए कहें या फिर अशोक गहलोत को अमेठी के लिए, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन भी वहीं से होगा, यानी ये दोनों नेता भी वहीं पर कैंप करेंगे और इसके साथ साथ अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वहां पर पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे और साथ ही साथ बूथ स्तर पर ग्राउंड लेवल पर कैसे किन लोगों को बांधना है, क्या रणनीति तय करनी है, इसकी रिपोर्ट जो है। अगर बात की जाए तो कितनी चुनौतियां आने वाली हैं भूपेश बघेल की, चाहे बात की जाए या फिर अमेठी की बात की जाए अशोक गहलोत को, कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जैसे रायबरेली में सोनिया गांधी अब चली गई, असक्रियता की बात आ रही थी, अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ बना लिया, कौन कौन सी वो चुनौतियां होंगी जिनसे इन्हें निपटना होगा?
देखिए रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली में ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि रायबरेली कहा जाता है कि गांधी परिवार का शुरुआत से रिश्ता रहा है। अमेठी को लेकर कह सकते हैं कि लड़ाई थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पिछले 5 साल से स्मृति ईरानी वहाँ पर रह रही हैं, काम कर रही हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जो पकड़ थी कांग्रेस की वो कुछ कमज़ोर हुई है। और चूंकि राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को मनाना और उनको बताना कि आखिर गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस को वोट करें, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो रायबरेली अमेठी के बनस्पत थोड़ा बेहतर या आसान कह सकते हैं होगा कांग्रेस के लिए, लेकिन अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी को लेकर ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है 18 मई तक, जो जानकारी में निकल कर सामने आ रही है कि 18 मई तक रायबरेली के भोएमो गेस्ट हाउस में कैंप करके दोनों ही सीटों पर नजर रखेंगे। नीतीश बिल्कुल आदर्श, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित का रुख करूंगा। रोहित, कुछ अभी जानकारी आई है कि कब भूपेश निकलेंगे रायबरेली के लिए, कब से कमान संभालेंगे, क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी शुरुआती तौर पर पार्टी के सोर्सेस से आई है उसके मुताबिक कल जब मतदान यहां का संपन्न हो जाएगा, दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा, तो उसके बाद परसों से ही भूपेश बघेल वहां पहुंचेंगे, रायबरेली में प्रचार करेंगे और प्रियंका गांधी का साथ देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जानकारी ऐसी है कि प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगी और भूपेश बघेल को लेकर कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के काफ़ी चहेते हैं भूपेश बघेल, खास माने जाते हैं और हर बार जब भूपेश बघेल को बात करना रहता है तो सीधा प्रियंका गांधी से बात करते हैं। तो ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि भूपेश बघेल को वहां का ऑब्जर्वर बनाया गया है और प्रियंका गांधी का भरोसा भूपेश बघेल पर दिखाई दिया, वहीं पे राहुल गांधी को लेकर। ठीक है, रोहित और आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे जब जुड़ेंगे तो बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रभारी ऑब्जर्वर बनाने का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, आदर्श से बात होगी।